हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपको केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट बताने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंटों को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको किस प्रकार के इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, किस आधार पर दे रहा हूं। तो कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आज मैं आपको इस वीडियो में सिलेबस और प्लस ब्लूप्रिंट बताने जा रहा हूं, तो बस आप वीडियो को पूरा देखते रहें और आप अपना डाउट क्लियर कर लें और आप देख लें कि किस यूनिट में से आपका कितना आएगा। देखिए, ये ब्लूप्रिंट वैसे तो पुराना है, 2019 से 20 वाला ब्लूप्रिंट है, ठीक है। 2020 वाला जो ब्लूप्रिंट था वो है। देखो, वैसे तो सिलेबस कट हो सकता है, क्योंकि जो एग्ज़ाम है, जिस लॉकडाउन की वजह से काफ़ी पढ़ाई ख़राब हो गई है बच्चों की, तो सिलेबस कट सकता है। अभी कोई कन्फर्म नहीं हुई है कि आपका सिलेबस कट होगा या नहीं होगा, ठीक है। CBSE बोर्ड वालों ने कट कर दिया है, तो आपका पता नहीं है MP बोर्ड वालों का कट होगा या फिर नहीं होगा। तो आप ऐसा ना समझें कि हमारा सिलेबस पक्का ही कट होगा। अगर सिलेबस कट होगा भी तो उसमें से कुछ कटने वाला नहीं है, वो सिर्फ कुछ चैप्टर ही उठाएंगे, ठीक है। तो आप सिलेबस कट होने का इंतज़ार ना करें, अच्छे से मेहनत करें, समय का सदुपयोग करें। जो आपके पास समय है उसका उपयोग करें, अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से प्रश्न इंपोर्टेंट याद करें। देखिए, आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। मैं इससे अगली वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे एग्जाम में 95+ फोड़ सकते हो आसानी से, ठीक है, आसानी से ला सकते हो। टॉपर के क्या सीक्रेट्स होते हैं, इससे आगे वाली जो आगे वीडियो आएगी उसमें आपको बताऊंगा कि क्या कैसे टॉपर्स बनते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री का जो ब्लूप्रिंट है उसके आधार पर मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ और किस यूनिट से कितने नंबर का प्रश्न आएगा। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। और एक और बात आपसे कहनी थी कि आप वीडियो डाउनलोड कर लेते हो। देखो, आप वीडियो डाउनलोड ना किया करें, जो इम्पोर्टेंट मैं आपको प्रश्न देता हूँ आप उसकी वीडियो को डाउनलोड कर लेते हो। देखो, डाउनलोड ना किया करें, आप ऑनलाइन ही पूरी वीडियो देखा करें। अगर आप डाउनलोड करते हो तो उसका इंप्रेशन कम होता है। देखो, मैं आपसे सीधी सीधी बात कहता हूँ, साफ साफ बात कहता हूँ, जो है बात वही मैं आपको कहता हूँ। आप पिछले वाले स्टूडेंटों को देख सकते हो, उनको फ्री, देखो यहाँ पर आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा लास्ट तक। ऐसा नहीं किया जाएगा कि आपको लास्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे, नोट्स देंगे तो आपसे पैसे अर्न करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मॉडल पेपर दिए जाएंगे बाद में, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की कमी नहीं रहेगी, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे रट जाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप बिल्कुल भी घबराएं ना, आप ये ना समझें कि हम लेट हो गए, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो पिछले वाले स्टूडेंटों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, 97% हमारे यहाँ से स्टूडेंट के आए हैं, ठीक है। आप देख सकते हो, आप कमेंट पढ़ सकते हो, पिछली जो वीडियो डली है उन पर आप कमेंट पढ़ सकते हो स्टूडेंटों की कितनी कितनी परसेंटेज बनी है, तो बहुत अच्छी अच्छी परसेंटेज बनी है। और उनका यह भी कहना है अच्छा फंसा है एग्जाम में, आप फिर भी आप देख सकते हो मॉडल पेपर हमारे, पिछले जो मॉडल पेपर 2020 में हमने स्टूडेंटों को दिए थे वो मॉडल पेपर आप देख सकते हो कि उनमें से एग्जाम में आखिरकार कितना फंसा है, उसके आधार पर आप पढ़िए। हिंदी का पेपर जो था वो पूरा फंसा था, हिंदी की आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हिंदी, लेकिन आप पढ़ते रहें, प्रत्येक सब्जेक्ट को आप थोड़ा बहुत पढ़ते रहें, जिससे क्या होगा रिवाइज़ होता रहेगा, ठीक है। हिंदी की आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, हिंदी के आपके 90+ नंबर ना दिला दें तो बस नाम बदल दे देना, ठीक है। हिंदी में आपको 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता, ओके। हिंदी आपको फुल कोर्स कराया जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। देखिए, अगर आप पुरानी वीडियो देखना चाहते हो ग्रामर्स की, हिंदी की, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। वैसे तो हम आपको हिंदी कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है, और वैसे भी पिछले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे हमने वो भी डले हैं। और आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, कहने का मतलब ये है। और आप वीडियो को डाउनलोड ना करें, अगर आप वीडियो डाउनलोड करते हो तो क्या होता है, इंप्रेशन कम होता है, इंप्रेशन कम होता है तो लोगों तक वीडियो कम पहुँच पाती है, जब लोगों तक वीडियो कम पहुंच पाती है तो वॉच टाइम कम होता है, ठीक है, वॉच टाइम कम हो जाता है वीडियो का, तो टेक्निकल इश्यूज आने लगती है हमारे चैनल पर। जब टेक्निकल इशू आएंगे हमारे चैनल पर तो आपके लिए कोई भी वीडियो नहीं आ पाएगी, ठीक है, कोई भी आपके लिए वीडियो नहीं आ पाएगी, कोई भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं आ पाएंगे। कृपया करके आप वीडियो को डाउनलोड ना किया करें, कोई भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो आप कृपया करके ऑनलाइन ही देखें, ठीक है, यूट्यूब पर ऑनलाइन डाउनलोड करके ना देखा करें, आपसे बस इतना निवेदन है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप बिल्कुल भी नो टेंशन रहें, बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, स्ट्रेस नाम का, तनाव नाम का आपके अंदर कोई भी वस्तु नहीं होनी चाहिए। चलिए तो देखते हैं। तो देखिए, इसमें आपका
पहली यूनिट आपकी ठोस अवस्था, इसमें से आपके चार अंक के प्रश्न आते हैं। बहुत से स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आपने पहली यूनिट के केमिस्ट्री के इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्यों नहीं दिए, दो यूनिट क्यों क्यों दिए। देखो इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, ऑब्जेक्टिव हम आपको बाद में कंप्लीट करवाते हैं एग्जाम के दो महीने पहले या एक महीने पहले आपके ऑब्जेक्टिव बिल्कुल कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। अगर आप फिर भी ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हो तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जा सकते हो, वहाँ पर काफ़ी ऑब्जेक्टिव पड़े हैं, सेट पड़े हैं, छः सेट पड़े हैं केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव के, और यूनिट बाय यूनिट ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट पड़े हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। फिर भी आपके लिए हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, तैयार करवा देंगे, आप नो टेंशन रहें, ठीक है। और आप यूनिट बाय यूनिट ऑब्जेक्टिव देख लें तो आप बेस्ट रहेगा, क्योंकि हम आपके लिए सेट ही कराएंगे, अब यूनिट बाय यूनिट तो नहीं कराएंगे, क्योंकि हमने आपको यूनिट बाय यूनिट 2020 में हमने आपके लिए वीडियो बना दी थी, वो सभी स्टूडेंटों के लिए, चाहे वो 2021 में एग्जाम दें, 2022 में, 2023 में, कभी भी एग्जाम दें, सभी स्टूडेंट के लिए वह है। जब तक सिलेबस चेंज नहीं हो जाता तब तक आपके वही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहेंगे यूनिट बाय यूनिट, इसीलिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो उन वीडियो को, और सेट भी देख सकते हो, सेट बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब देखिए इसमें से ठोस अवस्था, इसमें से आपके चार ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है, एक नंबर के चार प्रश्न आते हैं, तो इसीलिए नहीं हमने इसमें इससे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए, ऑब्जेक्टिव हम आपको बाद में कंप्लीट करवाएंगे। और दूसरी बात आती है बिलियन, तो दूसरी यूनिट का नाम है बिलियन, इसमें से आपका एक कुल पाँच नंबर के प्रश्न आते हैं, एक आता आपका दो नंबर का, एक प्रश्न आता आपका तीन नंबर का, ठीक है, इसी प्रकार से आपको प्रश्न दिए गए हैं। मैंने आपको दो नंबर का एक प्रश्न दिया था और तीन नंबर के, इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। विद्युत रसायन, इसमें से आपका आता है एक पाँच नंबर का आता है टोटल, बस कुल पाँच नंबर के आते हैं। रासायनिक बलगत की यूनिट चार से आते हैं आपके, एक प्रश्न आता है एक नंबर का और एक प्रश्न आता है चार नंबर का। तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रक्रम, तो इसमें से आपका आता है तीन आते हैं आपके वस्तुनिष्ठ, पहले आप सतह रसायन देख लिए यूनिट पाँच के, इसमें से आपके दो आती हैं ऑब्जेक्टिव और एक आता है दो नंबर का, ठीक है। देखो ब्लूप्रिंट अगर सिलेबस चेंज होगा, ब्लूप्रिंट आपका ज़्यादा चेंज नहीं होता है, अगर आप ब्लूप्रिंट चेंज के चक्कर में रहोगे तो आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, ब्लूप्रिंट आपका ज़्यादा चेंज नहीं होगा अगर होगा तो। वैसे तो ब्लूप्रिंट चेंज होने वाला नहीं है, अगर होगा सिलेबस कट होगा तो होगा थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, आप नो टेंशन रहें, आप इसी के जो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ उसी के आधार पर पढ़ें। और ब्लूप्रिंट आपका ऐसा नहीं है कि एग्जाम के टाइम पर ही चेंज किया जाएगा, एग्जाम के कम से कम चार महीने पहले चेंज किया जाएगा, वो हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे, आप नो टेंशन रहें, ठीक है। अब देखिए छः यूनिट से आपके आते हैं, तीन ऑब्जेक्टिव आते हैं, बस छः यूनिट से आपको, देखो बढ़िया एक चीज़ है इसमें, एक यूनिट से आपके केवल ऑब्जेक्टिव आते हैं, कोई भी आपको, देखो बेसिक आप पढ़ो, बेसिक मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेसिक मत पढ़ो, लेकिन आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना जरूरी होता है। जैसे आप हार्ड वर्क मतलब आप बेसिक क्लियर करते जाओ साथ ही साथ, लेकिन आप अगर टॉपर बनना चाहते हो, अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो एग्जाम में, तो आपको साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर ध्यान देना होगा, ठीक है। जो टॉपर्स होते हैं वो साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते जाते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से पढ़ने से क्या होता है, आप एग्जाम में 95+ यानी अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो अपने सातवीं यूनिट से आती है, तीन ऑब्जेक्टिव आती है, एक आता है पाँच नंबर का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और आठ यूनिट से आती है, एक आता है ऑब्जेक्टिव, एक आता है अंक चार नंबर का। और आपका नौ यूनिट से आता है दो नंबर का, एक आता है और दो ऑब्जेक्टिव आते हैं। दस यूनिट से आपके आते हैं, एक आता है आपका चार नंबर का, कुल चार नंबर का ही आता है, एक प्रश्न आता है बस चार नंबर का। और ग्यारह यूनिट से आता है आपका, उसमें से भी आपका एक ही आता है प्रश्न, यूनिट ग्यारह से चार नंबर का। और यूनिट बारह से भी आपका एक प्रश्न आता है चार नंबर का। और आप यूनिट तेरह से देख सकते हो, तो यूनिट तेरह से आपके एक प्रश्न आता है आपका एक नंबर का, और एक प्रश्न आता है आपका दो नंबर का, यहाँ पर आप देख सकते हो, दो नंबर का नहीं, सॉरी तीन नंबर का, एक प्रश्न आपका एक नंबर का और एक प्रश्न तीन नंबर का, टोटल चार नंबर के। और आपके यूनिट चौदह से आते हैं आपके चार नंबर के टोटल प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव का यानी एक नंबर वाला, और एक प्रश्न आता है तीन नंबर वाला। और पंद्रह यूनिट से आपके आते हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव, केवल ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना है। और जो लास्ट यूनिट है दैनिक जीवन में रसायन, उसमें से आपके कुल पाँच नंबर का एक प्रश्न आता है, ठीक है, पाँच नंबर का आएगा आपका एक प्रश्न केवल। तो बस यह था ब्लूप्रिंट। अगर आप फिजिक्स केम और भी फिजिक्स मैथ्स का ब्लूप्रिंट भी देखना चाहते हो बायोलॉजी का, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, हम उसका भी आपको ब्लूप्रिंट बता देंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आसानी से। तो दोस्तों धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।